आपकी। रोहिल भाई, ये जो आप टाइट चीज़ लेके खड़े हुए हैं, ये वही चीज़ है जो हमने मुल्तान मंडी से परचेस की थी। जी जी बिल्कुल वही चीज़ है, मुल्तान मंडी से परचेस की थी और किसी को भी अभी तक के पता ही नहीं है कि भाई ये मुल्तान मंडी के परचेस किया था हमने और कराची हम लेकर आए थे, उसके बाद ये गया कहाँ। ओहो किस वजूद के अंदर है माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से पलाई हुई है यार, बिल्कुल चेंज हो गया ये बछड़ा बिल्कुल, माशाल्लाह भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह, कलर के अंदर प्रिंट के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जैसे मानी भाई को पसंद है ना हाइट, वैसे ही जानवर हों मुझे भी हाइट पसंद है, तो भाई हाइट जो है वो सिब्बी के ऊपर ही मज़ा करती है। अस्सलाम वालेकुम मेंबर, दिस इज़ रुहैल अहमद और आप लोग देख रहे हैं काऊ मंडी एक्सपो, और आज मौजूद हैं भाई फाइनली ए आर मानी भाई के कैटल फार्म के ऊपर, मतलब करीम्स कैटल फार्म के ऊपर मौजूद हैं। और जो है यहाँ पे आने का मकसद क्या है, तो भाई मकसद ये है कि आप लोगों को पता होगा, आपने चैनल में मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने जो है दिसंबर के अंदर जो है एक बछड़ा परचेस किया था मुल्तान से, और वो आप लोगों ने देखा था कि मैं मुल्तान मंडी गया था, आपको मुल्तान मंडी की भी अपडेट करी थी वहाँ पर, और वहाँ की आपको दिखाई थी मंडी पूरी, तो वहाँ से आपको बताया था कि हमने एक ब्लैक बछड़ा भी परचेस करा है नेश काला, जो हमारा मिशन था नेश काला उस पर हम गए थे, तो वो बछड़ा जो मैंने मुल्तान से परचेस करा था और उसको कराची लेकर आया था, तो वो बछड़ा कहाँ था, सबका सवाल ये था कि बछड़ा कहाँ है, तो भाई वो आज मैं रिवील कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मानी भाई ने बताया था अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो भाई ये वो जो बछड़ा परचेस करा था हमने मुल्तान से काला नेश काला, वो पल रहा है मानी भाई के फार्म के ऊपर माशाल्लाह से, तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो गए और यहाँ पे वो माशाल्लाह बछड़ा पल रहा है। तो आज मैं आया था, पहले आया हूँ मैं, बट वीडियोस वगैरह मैंने नहीं बनाई, तो आज आया था तो मैंने चले आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि बछड़ा किस तरह का हो गया है, क्या प्रोग्रेस है बछड़े की, और मतलब आप लोगों को पता ही नहीं था मेरे चैनल की कि उससे कि बछड़ा जो उन्होंने परचेस किया था तो वो कहाँ पल रहा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वो भी आपको दिखाऊंगा बछड़ा भी कि किस तरह का हो गया। बाकी मानी भाई ये है कि अभी नहीं आए हैं, मानी भाई अगर मैं जब तक यहाँ पे हूँ, अगर मानी भाई आ गए तो इंशाल्लाह मानी भाई को भी वीडियो में लेंगे, वरना तो फिर वीडियो एंड कर देंगे। तो चलें आप लोगों को कलेक्शन दिखाते हैं मानी भाई के फार्म की और आपको दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं। ये भी मानी भाई के फार्म की आज आपको कलेक्शन दिखा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम चैनल के ऊपर, वैसे तो मैं मानी भाई के फार्म पर आया हूँ, लास्ट सेकेंड विज़िट है मेरा, और बट वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी फ़र्स्ट टाइम जब आया था, तो आज मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ और कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या नाम है इसका? बादामी। ये बादामी कोई गुस्से में, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रिंट है। ये सारे इस साल वाले हैं या अगले साल पे है ना सारे? अगले साल पे हैं ज़्यादातर, तो बाकी इस साल वाले भी हैं कुछ। माशाल्लाह यार कलर चेक करें, माशाल्लाह कलर प्रिंट के अंदर बछड़ा और वजूद के अंदर भी माशाल्लाह पूरा है, और अभी तो अगले साल पे जब जाएगा तो फिर आप समझ लें कि क्या चीज़ इंशाल्लाह बनेगी, लेकिन माशाल्लाह अभी बहुत प्यारी चीज़ है भाई। ये आ रहा है सिम्बा है ना, ये सिम्बा है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बहुत अच्छा बन गया। जब ये आया था तो मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, जब ये फ़र्स्ट टाइम आया था मानी भाई के फार्म के ऊपर, तो मैं इसका आई विटनेस हूँ भाई, कि मैंने इसकी इसको वीडियोज़ में देखा था किस तरह का था ये बछड़ा और अब किस वजूद के अंदर है माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से पलाई हुई है यार, बिल्कुल चेंज हो गया ये बछड़ा बिल्कुल। उस वक्त जब आया था तो उस वक्त के एक्सपेक्टेशन मेरी भी ये नहीं थी कि ये चीज़ बनेगी इस पर, लेकिन माशाल्लाह मानी भाई की मेहनत है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे कलर के अंदर और हो गया, ब्यूटी है फेस के अंदर यार इसकी माशाल्लाह, चेक करें। Thank you.
कैप्टन है भैया माशाल्लाह। और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर गया है। जब आया था माशाल्लाह जब भी अच्छे वजन में था, लेकिन माशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा हो गया। और ये वाला कौन सा है? पठान भाई, ये पठान है माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। कलर के अंदर, प्रिंट के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये कौन सा बछड़ा है? ठाकुर है ना? ये ठाकुर है भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। भाई ठाकुर है माशाल्लाह, मानी भाई के फार्म का। और ये वाला कौन सा है? बादशाह भाई, बादशाह। माशाल्लाह ये भी बछड़ा बड़ा प्यारा है कलर प्रिंट के अंदर। चलाना इसको मस्तियाँ भाई। इसका क्या नाम है? ये सुल्तान। सुल्तान, ये सुल्तान है भाई। दांतों में है ये भी? दो है दांतों में। अगले साल पे ये भी? माशाल्लाह यार बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। हाइट के अंदर भी बहुत प्यारा है और है भी फुल एक्टिव माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है भाई ये भाई माशाल्लाह। सिब्बी, इसका नाम क्या रखा हुआ है? केटू। हाँ इसका केटू नाम है सही, इसका नाम केटू है माशाल्लाह भाई। बहुत ज़बरदस्त हाइट है। दांतों में क्या है? चार है दांतों में ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इस साल पे है या अगले साल जाएगा? अच्छा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन माशाल्लाह यार बहुत प्यारी चीज़ है। सिब्बी का तो आप लोगों को पता है मैं दीवाना हूँ, क्योंकि जैसे मानी भाई को पसंद है ना हाइट, वैसे ही जानवरों में मुझे भी हाइट पसंद है। तो भाई हाइट जो है वो सिब्बी के ऊपर ही मज़ा करती है माशाल्लाह। अगर इसकी सलामी अगर आप देखें ना तो मेरे सर से ऊपर है, आप ये अंदाज़ा कर लें। मेरे सर से इसको इसकी सलामी ऊपर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हुए हैं मानी के फार्म पे और हमारे साथ मौजूद है रोहिल भाई। रोहिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। रोहिल भाई ये जो आप टाइट चीज़ लेके खड़े हुए हैं, ये वही चीज़ है जो हमने मुल्तान मंडी से परचेज़ की थी? जी जी बिल्कुल वही चीज़ है, मुल्तान मंडी से परचेज़ की थी। और किसी को भी अभी तक के पता ही नहीं है कि भाई ये मुल्तान मंडी के परचेज़ किया था हमने और कराची हम लेकर आए थे, उसके बाद ये गया कहाँ। तो भाई ये है मानी भाई के फार्म के ऊपर और ये तकरीबन तीसरा महीना, तीन महीने हो गए, तकरीबन तीन महीने से मानी भाई के फार्म पे पल रहा। और माशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस देख के आज मैं खुद शौक हो गया हूँ, क्योंकि मैं जब छोड़ के गया था बछड़ा, जब मुल्तान से आया था 12 दिसंबर को मैंने यहाँ पे छोड़ा है बछड़ा, 14 दिसंबर को मैं देख के गया, तो उसके बाद से आज मैं आया हूँ और आज आके मैं बछड़े को देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह मैं प्रोग्रेस देख के खुश शौक हो गया हूँ बछड़े की। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पलाई कर रहे हैं मानी भाई। माशाल्लाह बछड़ा
बहुत अच्छे वजन के ना खड़ा हुआ है। अभी तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तकरीबन हुए हैं बछड़े को, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। तो रोहेल भाई, मानी भाई, आपने इसका कोई नाम वाम रखा हुआ है? नाम इसका रखा है, पहले रखा था ब्लैक पैंथर रिटर्न, लेकिन अब इसका नाम रखा है शहजादा। सही सही, क्योंकि शौकीन जो होते हैं वो अपने जानवरों का या कुछ भी हो उनका नाम जरूर रखते हैं। ज़रूर रखते हैं, जितने भी जानवर खड़े हैं माशाल्लाह से मानी भाई ने हर जानवर का नाम रखा हुआ है। और मैं मानी भाई के ऊपर वो हूँ कि मानी भाई इतने सारे नाम याद कैसे कर लेते हैं भाई, मैं तो इतने सारे नाम भूल जाऊँ, लेकिन मानी भाई को माशाल्लाह सारे जानवरों के अपने नाम याद है। तो मानी भाई का कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है? मानी भाई का यूट्यूब चैनल किसको नहीं पता, ए आर मानी के नाम से मानी भाई का यूट्यूब चैनल है भाई। बेहतरीन बेहतरीन। तो अभी यहाँ पे सिर्फ ये 2023 की अप्लाई हो रही है, 2024 या 25 की भी अप्लाई की जा रही है? यहाँ पे मानी भाई के पास माशाल्लाह से 2023 की भी है, 24 की भी है, और बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं जो फ्यूचर चैम्प्स हैं वो भी खड़े हैं माशाल्लाह। मानी भाई के पास भरपूर पलाई है माशाल्लाह। मानी भाई का नाम ही ऐसा है यार कि मतलब हर कोई ट्रस्ट करता है, तो मानी भाई के पास पलवाने के लिए तो हर कोई बेताब है। तो भाई दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, और जो है आज मानी भाई के फार्म पे विजिट करा और आप लोगों को अपना बछड़ा भी दिखाया और मानी भाई के फार्म की कलेक्शन भी दिखाई। छोटी सी वीडियो थी बस ये, मैं आया था यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जानवर देखने के लिए अपना, तो मैंने कहा चलें मानी भाई के फार्म की भी वीडियो बना लेते हैं, और जानवर जो कलेक्शन आप मानी भाई की वीडियो में देख रहे थे वो अपनी वीडियो के अंदर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो बस ये है कि शॉर्ट वीडियो थी, इंशाल्लाह आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह आगे जो है बहुत अच्छी जो है वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, ऐसे कैटल फार्म्स आपको विज़िट करवाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत सस्ती पलाई आपको मिलेगी, तो वो आगे इंशाल्लाह वीडियोस ज़रूर आएंगी। तो ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये है कि चैनल पर रेगुलर रहिएगा, वीडियोज़ को देखते रहिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।